बहुत ही फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल का टेक न्यूज़। तो चलिए कुछ सीखते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पर करके पूर की। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि क्या भाई पबजी को पूरी तरीके से इंडिया में बैन करना चाहिए, तो आप में से 14% लोगों ने कहा हाँ भाई हाँ पबजी को पूरी तरीके से इंडिया में बैन करना चाहिए, और 85% लोगों ने कहा नहीं भाई नहीं पबजी को यार इंडिया में नहीं बैन करना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या आपको BSNL की तरफ से किसी प्रकार का वोल्टेज सब्सक्रिप्शन का कोई नोटिफिकेशन या किसी प्रकार का कोई मैसेज आपको अपने स्मार्टफोन के मैसेज में कहीं पर भी आपने सुना हो तो बताइएगा अपनी राय यहाँ ऊपर दिए गए पोल में नीचे कमेंट्स में, और सारी बातों को मिलाकर दबा दो इस लाइक वाले बटन को। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला अपडेट निकल कर आता है मोटरोला की तरफ से। भाई मोटरोला ने एकदम कंफर्म कर दिया है कि मैं अपना स्मार्टफोन Moto G7 स्मार्टफोन 25 तारीख को इंडिया में लॉन्च करने वाला हूँ। हालांकि प्राइस अभी कंफर्म नहीं है, और जैसे ही स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा मैं अपने आने वाले टेक्नोलॉजी में इसका प्राइस आपको बता दूंगा। दोस्तों अगला अपडेट निकल कर आता है पर इंस्टाग्राम की तरफ से, और इंस्टाग्राम में दोस्तों नया फीचर आया है कि अगर आप इंस्टाग्राम के अंदर किसी प्रोडक्ट को आप देखते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट हो, तो वहीं से आप डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, अपने घर तक आसानी से उसे यहाँ पर पैसे दीजिए और आसानी से आपके घर तक वो प्रोडक्ट आसानी से आ जाएगा। दोस्तों अगला अपडेट निकल कर आता है पर क्वालकॉम प्रोसेसर की तरफ से, और दोस्तों क्वालकॉम ने अपना प्रोसेसर क्वालकॉम QCS400 प्रोसेसर लॉन्च कर दिया है। ये प्रोसेसर स्मार्ट स्पीकर्स के लिए बनाया गया है। आपने सोचा होगा कि ये प्रोसेसर हमारे जितने सारे स्मार्टफोन होते हैं उसके लिए बनाया गया, लेकिन नहीं भाई नहीं, ये प्रोसेसर स्मार्ट स्पीकर्स के लिए बनाया गया है। तो काफ़ी अच्छी बात है यार कि आप कहीं पर भी सीना चौड़ा करके कहो कि यार मेरे प्रोसेसर में यानी कि सॉरी मेरे स्पीकर्स में क्वालकॉम QCS400 प्रोसेसर लगा है, तो काफ़ी अच्छी बात है जो कि ये क्वालकॉम ने काफ़ी अच्छा काम किया। दोस्तों अगला अपडेट निकल कर आता है पर एप्पल की तरफ से, और फाइनली दोस्तों एप्पल ने अपना एयरपॉड लॉन्च किया है। जिसकी प्राइस की बात करें तो भई आपको ये एयरपॉड 16,000 रुपये के करीब मिल जाएगा, और बात करें इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। तो यार अच्छी बातें हैं कि आप कहीं पर भी हो आराम से अपने पास रखे रहो और वायरलेस चार्जिंग की मदद से आप उसको चार्ज कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों अगला अपडेट निकल कर आता है पर वीवो की तरफ से, और वीवो ने अपना दो स्मार्टफोन Vivo X27 और X27 Pro दोनों स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च कर दिया है। अब देखते हैं कि ये दोनों स्मार्टफोन इंडिया में कब आते हैं, और बात करते हैं इसके प्राइस की, तो भाई प्राइस तो यार कंफर्म भी नहीं, जब तक इंडिया में नहीं आएगा तब तक उतना तो कंफर्म है नहीं। और बातें करते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और पॉपअप सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलता है। दोस्तों अगला अपडेट निकल कर आता है यहाँ पर, रियलमी ने अपना सबसे पहला सर्विस सेंटर इंडिया में ओपन कर दिया है। तो यार बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि रियलमी ने अपना सबसे पहला सर्विस सेंटर दिल्ली में ओपन किया है, और रियलमी का ये भी कहना है कि भाई अब मेरे जितने सारे सर्विस सेंटर खुलेंगे अब आपको अपने नियर अबाउट मतलब आपका जितना सारे नियर में आपके नियर अबाउट में कहीं पर भी आपका सिटी है तो उसमें आपको रियलमी का सर्विस सेंटर आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी बात है, अब देखते हैं कि ये सर्विस सेंटर कब जल्दी जल्दी हमारे यहाँ निकटतम में सिटी में कब कब खुलता है। दोस्तों अगला अपडेट निकल कर आता है हुआवे की तरफ से, और हुआवे का मेटेक्स स्मार्टफोन बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है। देखते हैं कि ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होता है, और बात करते हैं इसकी प्राइस की, भाई तो प्राइस है इसका 1.5 लाख से 2 लाख के करीब, ये जो मैं मिनिमम बता रहा हूँ। तो भाई यार सवाल ये आता है बार बार कि यार एक ऐसी कंपनी जो बहुत ही जल्द इतना भी चर्चित नहीं है मेरे अनुसार यार कि अब 1.5 लाख से 2 लाख रुपये, तो भाई काफ़ी सुनकर हैरानी होती है कि 1.5 लाख से 2 लाख रुपये क्या ये जो स्मार्टफोन है क्या बहुत अच्छी तरीके से इंडिया में बिकेगा नहीं बिकेगा। तो आप भी बता दीजिए अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में, और मैं भी देखता हूँ कि आखिर में इसका आगे का भविष्य क्या होता है। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में यही इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज हुआ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में यही।